नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया का ये खास शो जिसका नाम है ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स के जरिए अब तक आप तक बहुत सारी कहानियां पहुंचा चुके हैं, बिजनेस से जुड़ी, स्टार्टअप से जुड़ी। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं डॉक्टर अंचल गुप्ता। बात करेंगे उनसे उनके वेंचर की। एक आई स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने एक एनजीओ की शुरुआत की और अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर, सीधे अपने पहले सवाल पे आती हूँ। डॉक्टर का जो पेशा है उसमें उसकी जब तैयारी शुरू होती है तो बहुत मेहनत की जाती है और कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को लगता है कि ऐसा ही रिजल्ट होना चाहिए। जितने पैसे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने ही कमाए भी जाएं और बहुत नाम कमाया जाए, लेकिन आपका तरीका थोड़ा अलग था। नेत्रम फाउंडेशन के बारे में हमें बताइए। तो मैं एक आई सर्जन हूं और मैं देश के बेस्ट कॉलेजेस से पढ़ने के बावजूद आई एम मोस्टली इनटू कम्युनिटी वर्क। मैं समाज के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ। मैं ट्रेनिंग में मास्टर्स पा चुकी हूँ और कॉर्निया में सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट और प्रिविलेज लोगों के लिए ही अवेलेबल हूँ। तो नेत्रम इस उद्देश्य से बनाई गई कि वो लोग जो कि अच्छे बड़े अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों के द्वारा इलाज नहीं पा सकते हैं, उन्हें अच्छा इलाज मिल सके, कॉम्पिटिटिव इलाज मिल सके और वो भी अपनी आंखों की रोशनी को पा सके। तो नेत्रम आई फाउंडेशन मैंने इस लिहाज से बनाया कि कम्युनिटी के वो सारे लोग जो कि इलाज के अभाव से नेत्रहीन हो जाते हैं वो अंडर प्रिविलेज ना रह जाएं और उन्हें हम लोग इलाज प्रोवाइड कर सकें। साइट टू ऑल आपका मोटो था नेत्रम के पीछे। अब तक आप कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं और रोशनी जो आपकी एक वेंचर रहा है, रोशनी हो गया और ऐसे बहुत से आपने वेंचर्स शुरू किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। नेत्रम आई फाउंडेशन को जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारा मेन एम ये था कि हम उन लोगों तक पहुंचे जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो अपने डेली वेज का नुकसान ना हो जाए इस वजह से अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, इस बात के डर से कि फीस बहुत ज्यादा होगी इस वजह से अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, और ऐसे इलाज जिनसे हम लोग विजन को रिस्टोर कर सकते हैं उनके अभाव में नेत्रहीन हो जाते हैं। हमारे देश में आज भी 11% लोग कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंड है, जो कि बहुत ही आसानी से ट्रीट करने वाला इलाज तरीका है। तो हमने नेत्रम आई फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही इनोवेटिव मेथड बनाए जिससे हम लोगों तक खुद पहुंच सके। हर कोई चल करके हम तक नहीं आ सकता, तो हमने रोशनी नामक एक व्हीकल बनाई जिसका नाम है रूरल ऑप्थाल्मिक सर्विस ऑनरी नेत्रम इनिशिएटिव। वो एक वैन है जिसके अंदर आई टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है। हमारी आउटरीच टीम हर हफ्ते का एक रोड मैप बनाती है, उन ग्राम के पंचायतों से बात करती है, आंगनवाड़ी वर्कर से बात करती है और हमारी गाड़ी वहां तक पहुंचती है। लोकल आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम पंचायत के लोग सिलेक्टिवली उन लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं जिनकी आंखों में परेशानी है। इससे वहां पे भीड़ भी नहीं इकट्ठा होती और जरूरतमंद लोगों को एट द साइट इलाज मिल जाता है। जिन लोगों को बेस सेंटर पे सर्जरी की जरूरत होती है उन्हें हमारी वैन वापस बेस सेंटर तक ले आती है और हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत ही एडवांस्ड फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा उनकी सर्जरी और बाकी इलाज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमने और भी कई इनोवेटिव मेथड्स बनाए जिसमें हमने ऑन साइट उन पेरिफरी के चश्मे की दुकान वालों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। हमने उनको बेसिक बीमारियां कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, जिसके द्वारा वो अपने एरिया में आंखों की बीमारियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जिस भी मरीज को फर्दर अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है उसको हमारे पास रेफर कर देते हैं। सिमिलरली हमने फिर चश्मा बस बनाई। हमने देखा कि हम ऑन स्पॉट जाके चश्मे का नंबर तो दे आते हैं मगर मरीज चश्मा बनवा ही नहीं पाता या उसके गाँव में, उसके इलाके में वो चश्मा बनने की सुविधा ही नहीं होती है। तो चश्मा बस एक ऐसी बस में जिसमें कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग होती है, एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आंखों की जांच होती है, ऑन द स्पॉट चश्मे का नंबर भी देते हैं और उस गाड़ी में चश्मे के फ्रेम्स भी होते हैं। मरीज अपना फ्रेम खुद चुन करके जैसा भी चश्मा वो पहनना चाहता है उसको सिलेक्ट कर सकता है और हम उसे वहीं के वहीं प्रोवाइड कर देते हैं।
तो इस तरह नेत्रम बहुत ही इनोवेटिव मेथड क्रिएट कर रही है जिससे ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को पहुंच सके। अब तक हम लोग 17 स्टेट्स में प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट 5 लाख ऊपर के लोगों को बेनिफिट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ आई टेस्टिंग। देर हैव बीन मोर देन 5-6,000 सर्जरीज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। नेत्रम एज अ प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा होता है, उसी सेटअप में पेड पेशेंट्स को अलग देखा जा रहा होता है और चैरिटेबल पेशेंट्स के लिए एक अलग सिस्टम बना रहता है जिनको स्ट्रीमलाइन तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं और कम दामों पे दवाइयां प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वाकई डॉक्टर, आपका जो इनिशिएटिव है बहुत इनोवेटिव तरीके से आप ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता वहां तक शायद आप जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब भी हम किसी का भला करना चाहते हैं, कोई भी वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है, तो एनजीओ या किसी भी ऐसी फाउंडेशन को चलाने के लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है? किसी भी एंटरप्राइज को सस्टेन करने के लिए, चाहे वो सोशल एंटरप्राइज हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस वेंचर हो, सेल्फ सस्टेनेबल होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऑल्दो हम फंडर्स पे, CSR पे, गवर्नमेंट टेंडर्स पे डिपेंड करते हैं, मगर मैंने हमेशा अपने सारे मॉडल इस मैथ के साथ बनाए कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अगर हमें कोई फंड नहीं भी दे पा रहा तो हम इतने लोगों को रीच कर सकें, हम उन्हें फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे रहे मगर इस नॉमिनल प्राइस पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज खुद से मीट कर सके। सो आई ऑलवेज से कि हमारे देश की आबादी हमारा सबसे बड़ा डीमेरिट भी है और हमारा सबसे बड़ा मेरिट भी है। तो आबादी ज्यादा होने की वजह से हम कोई भी यदि प्लान करते हैं, कोई भी वेंचर डिजाइन करते हैं, सो हमारे पास हमेशा एक वॉल्यूम होती है, हमें हमेशा पता होता है कि अगर हम एक्स नंबर ऑफ पेशेंट्स को रीच आउट कर लेते हैं और हम वाई अमाउंट का प्राइस रखते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो दैट मेक्स इट स्ट्रीमलाइन, बिकॉज अगर हम लोग अपनी जेब से हमेशा भर रहे होंगे तो बहुत ही डिस्करेजिंग हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग उसको आगे चला नहीं पाएंगे। बट वेन वी मेक इट सेल्फ सस्टेन तो वो इन कंटिन्यूशन चलता रहता है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा ये डाउट तो क्लियर हो गया है। एक और डाउट है, मान लीजिए कि मेरे जैसे लोग आपके साथ जुड़ के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो अमूमन ये माना जाता है कि अगर हम किसी एनजीओ या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या वॉलंटियर काम किया जाता है या पेड बेसिस होता है, इस पे क्या कहेंगे आप? मोस्टली क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज सेटअप है तो हमारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो हमारे साथ रिक्रूटेड होते हैं। आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ माई सेल्फ एंड माई ओटी टेक्नीशियन। आज की डेट में 40 पीपल हैं जिनका हर महीने की पहली तारीख को सैलरी चेक बन रहा होता है और वो सब हमारे साथ एसोसिएटेड है और उन सबको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि किसी न किसी तरह अपनी सैलरी को वो खुद जस्टिफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास वॉलंटियर करने आते हैं यूजली वो लोग होते हैं जिनको विजन ट्रेनिंग कहीं ना कहीं चाहिए होती है। तो अब नेत्रम विजन टेक्नीशियन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है तो हम लोग उन्हें अपने साथ 6 मंथ की या 3 मंथ की ट्रेनिंग पे रखते हैं जिसमें वो चश्मे का नंबर निकालना, आम बीमारियों को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं और वापस जा करके अपने ही गाँव में, अपने इलाकों में चश्मे की दुकानें एस्टेब्लिश कर लेते हैं या कहीं ना कहीं नौकरी पा जाते हैं। सो इन दैट वे ऑल्दो वो वॉलंटियर कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं और हम इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं उनकी पूरी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ के लिए। मैं आपको वैसे वॉलंटियर करने के बाद चश्मा लगाना नहीं सिखाऊंगी, आई विल लेट यू बी अ टीवी एंकर। बहुत बढ़िया डॉक्टर, आप एलजीबीटी और ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ इनिशिएटिव चला रहे हैं तो उनके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल, तो जब हमने अपनी नेत्रम जर्नी शुरू करी तो हम मोस्टली चश्मे के ऊपर और कैटराइट सर्जरी के ऊपर और ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करते हैं लेकिन हम सिर्फ वो नहीं करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी और इनिशिएटिव्स हैं जो नेत्रम कर रही होती है जिसमें कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ड्राइव है। तो वी रियलाइज कि एलजीबीटी कम्युनिटी वाले हेल्थ कैंप्स में भी नहीं आते, इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएशन है, इतना ज्यादा उनके साथ ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है कि वो फ्री लगाए हुए कैंप्स में भी आने से शाय करते हैं।
सो इट इज अ थॉट दैट स्पार्क कि क्यों ना इनके लिए डेडिकेटेड कैंप्स. तो जो हमने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कैंप्स इनिशिएट करे वो हमने सिर्फ ऑप्थल्मोलॉजी के लिए नहीं रखे. और मैंने ये स्टडी करी कि क्या बीमारियां हैं जो उनमें ज्यादा पाई जाती हैं. तो हमने उनके लिए डर्माटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन और इन सबों के डॉक्टर्स की एक टीम बनाई. और पैन इंडिया लेवल पे हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. जिन एलजीबीटी को फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उनकी हम लोग पार्टनर हॉस्पिटल में बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा करके इलाज करवाते हैं. So it's something very close to my heart where I see that they are as much a part of us as anybody else. मगर अभी भी उनके लिए मुहिम नहीं चल रही है तो हम अपनी छोटी कैपेसिटी में उनके लिए रीच आउट कर रहे हैं. और मेरी जो ये इनिशिएटिव है इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. तो हम उनके साथ मिलकर के एलजीबीटी कम्युनिटी को राशन प्रोवाइड करना, कंबल प्रोवाइड करना, उनको इलाज प्रोवाइड करना इन ड्राइव्स को ले रहे होते हैं आगे. बहुत बढ़िया डॉक्टर. अब तक जो भी आपने इनिशिएटिव शुरू किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे हैं. आने वाले वक्त में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं नेत्रम को लेकर? हम प्रायोरिटी पे एक नेत्रम सेवा ग्राम नाम की जगह बनाना चाहते हैं क्योंकि जब हमने अपनी कम्युनिटी ऑप्थल्मोलॉजी की प्रैक्टिस देखी तो हमने देखा बहुत से प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा जहाँ पे डिलीवरी हो सके सैनिटाइज तरीके से. गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशली इन द कोविड टाइम नहीं उन लोगों को कैटर कर पा रही है. हमने बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को देखा कि उनके बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन या न्यूट्रिशन पे कोई अवेयरनेस नहीं कर पा रहा है. तो यानी उन्हें एक अच्छी पीडियाट्रिशियन की जरूरत है, एक अच्छे जनरल फिजिशियन की जरूरत है. सो नेत्रम बहुत जल्द अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद हम अब तक शुरू कर चुके होते. अगले 6 महीनों में हम नेत्रम सेवा ग्राम लेके आ रहे हैं. ये एक जगह होगी जहाँ पे ऑप्थल्मोलॉजी के साथ साथ बाकी स्पेशलिटीज भी अच्छे डॉक्टरों द्वारा, लाइक माइंडेड डॉक्टरों द्वारा चैरिटेबल दरों पे चली जाएगी. नेत्रम सेवा ग्राम का नाम हमने इतना न्यूट्रल इसलिए रखा है क्योंकि शायद हम उसको सिर्फ हेल्थ तक ना रखें और हम वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और बाकी चीजों को भी चलाना चाहें जिससे कि एक लार्जर डायस्पोरा में हम लोग कम्युनिटी को केटर कर सके. डॉक्टर आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई से लेके करियर से लेके और लोगों की मदद तक सब कुछ बहुत परफेक्टली किया है. आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर एक छोटा सा मैसेज आपको पहुंचाना हो तो वो क्या होगा? मैं आज के समय में भारत के हर यूथ से ये कहना चाहूंगी दैट इफ वी डोंट चेंज द वर्ल्ड हु विल, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. एज अ यूथ हमारे अंदर ये पावर है कि हम इस दुनिया को बदल सकते हैं और ये करने के लिए हमें किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना होगा. हमें अभी आज से वो बदलाव लाना शुरू करना होगा जो हम देखना चाहते हैं. वी विल हैव टू बी द चेंज विच वी वॉन्ट टू सी इन आवर कंट्री. डॉक्टर आपसे जुड़ के आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा. आने वाले वक्त में हम फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे. आज के लिए हमारा अपना वक्त निकाला आपने उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने